हेलो प्रमेश जी, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज की एनालिसिस जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर मैं बहुत इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो कवर अप करने वाला हूं। यानी कि मार्केट का जो माहौल अभी चल रहा है उसके अंदर अगर आपके हाथ तगड़े ऑल्ट कॉइन्स लग जाए तो 50 से 100% कहीं नहीं गया। बट हमेशा की तरह मैं आपको ये कहूँगा कि भैया हमें इस मार्केट के अंदर ऑल्ट कॉइन्स मिल जाए जिसके अंदर हम 25 से 30% भी बना ले तो बहुत बड़ी बात होगी। ओके, बिकॉज मार्केट काफ़ी टॉप के ऊपर है। तो मैं इस सेशन के अंदर ज़्यादा आप लोग का टाइम लेने वाला नहीं हूँ। एंड ऑल्सो बहुत दिनों के बाद, मेरे ख्याल से 10 दिन के बाद, गैप के बाद ये अपडेट आ रही है, बिकॉज यू ऑल नो कि मैं थोड़ा सा ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इन इंडिया हूँ और बाकी और भी चीज़ें जिसको थोड़ा सा सुलझाने वाला काम कर रहा हूँ। तो अगेन बहुत जल्दी हम डेली अपडेट्स के साथ भी कवर अप करेंगे हर ऑल्ट कॉइन्स को, एनालिसिस को। तो BTC के एनालिसिस में अलग से कवर अप कर दूंगा, बट अगेन एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कि BTC जो है अच्छा खासा राइट नाउ वापस से 43,600 के आसपास गया था, फिर 43,000 के आसपास चल रहा है। बट यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो थोड़ी सी कम हो रही है। तो डोमिनेंस अगर थोड़ी सी कम हो रही है, BTC की प्राइस अगर 40 से 41 हज़ार से ऊपर स्टेबल है, देन इट इज़ ए वेरी गुड चांस फॉर द ऑल्ट कॉइंस की उनको एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी। ओके, अब देखिए यहाँ पे BTC जो है बार बार ट्राई कर रहा है 44,000 45,000 को तोड़ने की, बट तोड़ नहीं पा रहा है। बार बार 40,000 के आसपास आता है, लगता है कि नीचे आएगा, लेकिन वो उसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट बना लिया है। इनफैक्ट कह सकता हूँ कि 41,000 के आसपास इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक सपोर्ट बना लिया है। ओके, तो अगर यहाँ से एक चार्ट के अंदर आप देखोगे वन डे पे, तो एक ट्राइंगल जैसा बना हुआ है वो उसके अंदर वापस आ गया। अगर उसको ब्रेकआउट करता है तो अगेन जो प्राइस हम शायद मेरे हिसाब से आने वाले टाइम के अंदर, यानी हफ्ते दो हफ्ते के अंदर 47-48,000 के आसपास ये जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि प्राइस वहाँ पे जाएगा, इसके चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो शॉर्ट हैं वो ओपन हैं, उनकी SL जो है उस रेंज के अंदर पड़ी हुई है। ओके, तो प्राइस जो है अगर इसको नीचे जाना है, 40,000 से नीचे जाना है, तो मेरे ख्याल से SL जो है उनको हिट ज़रूर करेगा। तो जो वेल्स हैं वो नहीं चाहेंगे कि उनके साथ बाकी छोटे मोटे आए, वो शॉर्ट्स में पैसा कमाए, तो उनको वहाँ से लिक्विडेट कर देगा, फिर शायद प्राइस नीचे आ जाए। ठीक है, तो खैर BTC के ऊपर अलग से एक एनालिसिस आ जाएगी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बट राइट नाउ मैं यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स जो है वो आप लोग यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, उन ऑल्ट कॉइन्स को देख लेना, क्योंकि मेरे हिसाब से उनके अंदर अच्छा खासा एक मुनाफा मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वापिस से आप चार्ट्स पे देखना, समझना, गूगल ट्विटर वगैरह पे सब सर्च कर लेना। आपको एनालिसिस अगर सही लगती है देन ऑनली यू शुड टेक एंट्री, बिकॉज अगेन देखिए मार्केट जो है क्रिप्टो का काफ़ी वॉलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे चलता है, ठीक है, प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है, तो थोड़ा सा अपना एक रिसर्च जरूर करें। ठीक है, ऑफकोर्स बट मार्केट शॉर्ट टर्म मिड टर्म की बात करते हैं तो मार्केट यहाँ पे बुलिश है। ओके, तो यहाँ पे हम ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो ऑल्ट कॉइन्स है जो आपके साथ में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, डेट इज़ ZRX इन पेयर ऑफ BTC की हम बात कर रहे हैं। ओके, आप इसको USDT के अंदर भी ले सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्राइस काफ़ी नीचे है। मैं लास्ट अगर 3 डिजिट्स कहूँगा तो 884 चल रहा है। तो इसके अंदर हमें वापस से कम 25 से 30% मिनिमम एक प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। ओके, क्योंकि BTC की जो डोमिनेंस है वो नीचे जाएगी, तो हमें इसके अंदर प्राइस में अच्छा खासा एक इजाफा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपना एक अच्छा खासा हम टारगेट पकड़ सकते हैं। अगर मैं लास्ट 4 डिजिट की बात करता हूँ, 1052 की बात करता हूँ, तो भी 20% के आसपास है। और सिमिलरली हम USDT के पेयर में भी देखते हैं तो भी अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा मिलने की उम्मीद है। ठीक है, तो ZRX जो है इसके ऊपर आप नज़र बना के रखिए। ओके, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्ट कॉइन जो आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, इट्स अबाउट लाइट कॉइन। ठीक है, लाइट कॉइन अच्छा खासा मुनाफा देता है, और यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को स्क्वीज करूँ इस हिसाब से, तो पहले भी यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना था, ब्रेकआउट हुआ, और प्राइस ने कह सकते हैं अगर मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो नियर अबाउट 8 से 10% के आसपास मुनाफा दिया था। तो अगेन यहाँ पे इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना हुआ है, और पहला जो टारगेट है 79 के आसपास है, उसके बाद हम 82 के आसपास यहाँ पे टारगेट पकड़ सकते हैं। तो लाइट कॉइन है, इसके ऊपर आप नज़र बना के रखो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कॉइन है जिसके अंदर हमें वापस से कह सकते हैं कि 40-50% के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, दैट इज़ अबाउट जेन, यानी हॉरिजन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, इन पेयर ऑफ USDT। राइट नाउ इसकी प्राइस चल रही है 11.4 के आसपास चल रही है, और ये अपने उछले स्तर यानी रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। इसको यहाँ से ब्रेक करता है तो हम इजीली पहला टारगेट जो है 20%, यानी कि 13.5 के आसपास पकड़ सकते हैं। लमसम इतना तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन अपना हायर जो टारगेट है नियर अबाउट मैं 16 के आसपास इसे देख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप जो भी कॉल्स पे एंट्री लेते हैं उसको होल्ड करना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, ताकि अच्छा खासा मुनाफा मिले। क्योंकि अगर अभी हम इसके अंदर एंट्री ले रहे हैं और ETF ये सब की एक पॉजिटिव अगर न्यूज़ आती है तो बहुत ज़बरदस्त मार्केट जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे WAXP इन पेयर ऑफ USDT।
तो ये कॉइन जो था ना, कह सकते हैं कि 2030 से पहले इसमें कुछ मूवमेंट नहीं थी, ठीक है। अब यहाँ पे मूवमेंट अच्छी खासी आ चुकी है और अगेन ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ चल रहा है। तो इस कॉइन के अंदर राइट नाउ जो प्राइस चल रही है 0.0746 के आसपास चल रही है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो अगेन इसके अंदर वापस से मेरे को सबका मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम 25 से 30% यहाँ पे टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से 0.11 के आसपास हम इसके अंदर यहाँ पे एक टारगेट यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बार बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हायर हाईज हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी नज़र रखो, अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। मैं सारे जो कॉइन्स है आपको बहुत शॉर्ट में यहाँ समझा रहा हूँ, इन डेप्थ नहीं जा रहा हूँ कि ये कॉइन क्या करते हैं नहीं करते हैं, वो आप गूगल पे ट्विटर वगैरह पे इसके ऊपर सर्च कर सकते हैं। बट जो मैं लेके आ रहा हूँ ये काफ़ी इनसाइडर न्यूज़ है, आ रही है कि इसके अंदर कुछ हो सकता है, अच्छी खासी रैली आ सकती है, तो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट कॉइन जो है इंपॉर्टेंट, जिसके ऊपर आपको नज़र रखना है, इट इज़ SFP इन पेयर ऑफ USDT। इसकी प्राइस चल रही है 0.8135 के आसपास चल रही है, और इसके अंदर जो मैं टारगेट देख रहा हूँ नियर अबाउट 1.15 के आसपास यहाँ पे देख रहा हूँ। तो अगर 1.15 के आसपास भी यहाँ पे जाता हूँ, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे एक बुल फ्लैग जैसा बना हुआ है, तो भी टारगेट जो है नियर अबाउट 45 से 50% के आसपास हम इसके अंदर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप नज़र रखो SFP के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ORBS इन पेयर ऑफ USDT। राइट नाउ प्राइस चल रही है 0.04 के आसपास चल रही है। अपना जो पहला टारगेट होगा 0.06 के आसपास, तो 0.06 अगर मैं करता हूँ यहाँ से तो नियर अबाउट 50% के आसपास अपने यहाँ पे टारगेट देख रहे हैं, ठीक है। तो ORBS है, इसके ऊपर नज़र रखो, कोशिश करना लेने के लिए। तो जो मैंने कॉइन्स बताए हैं ZRX से लेके ORBS तक, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉइन्स। उसके साथ दो एक बोनस टोकन्स आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, दट इज़ GMT का नज़र रखना, ये नीचे नीचे आ रहा है और इसको इस लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है। तो अगर इसको उठाना होगा आपको तो 0.02969 के आसपास, इस रेंज के आसपास आप इसको उठा सकते हैं, और यहाँ से एक लॉन्ग का जो टारगेट होगा 15 से 20% के आसपास होगा GMT के अंदर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट जो है SNX की मैं बात कर रहा हूँ, 4.3 के आसपास चल रहा है, और इसके अंदर अगेन मैं कहूँगा 10 से 15% के आसपास एक क्विक स्कैल्पिंग प्रॉफिट यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कॉइन्स हो गए। इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट कॉइन्स है जिसके बारे में मार्केट में बात हो रही है, ट्विटर पे बात हो रही है, इनसाइडर न्यूज़ निकल के आ रही है कि इस कॉइन के अंदर वापस से कुछ एक रैली हमें देखने को मिल सकता है। अगेन आप अपनी रिसर्च वगैरह सब कुछ करना, सही लगे तो ही करना। मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ, इट्स अबाउट मैंगो मैन इंटेलिजेंट, यानी कि MMIT। इसकी राइट नो प्राइस चल रही है, लास्ट 4 डिजिट कहूँगा 4817 के आसपास चल रही है, और दिस इज़ द फर्स्ट फ्रूट मीम टोकन है, और इस मीम टोकन के ऊपर लगभग कह सकते हैं 85,000+ Web3 डोमेन रजिस्ट्रेशन है, एंड सबका इकोसिस्टम लाइव हो चुका है, वैलेट स्वैप सिस्टम वगैरह। और अगर मैं लास्ट ईयर मार्च की मैं बात करता हूँ, अगर मैं मंथ वाइज यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे लास्ट ईयर मार्च के आसपास जो एक रैली गई थी वो नियर अबाउट 8,800% की ग्रोथ हुई थी उसके अंदर, और अभी लास्ट 2 महीने की हम बात करते हैं तो इसमें 300% का इजाफा हुआ है। तो व्हाट आई एम सीइंग राइट नाउ कि मार्केट में जो भी हल्ला मचा हुआ है उसके हिसाब से हम इसमें 30-40% की ग्रोथ देख सकते हैं। इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी कॉइन मार्केट कैप पे, ठीक है। अबाउट अस में आप जाएंगे, सोशल मीडिया पे जाएंगे तो सारी चीज़ें आपको दिखेगी, अनाउंसमेंट्स क्या है वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और जितने बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं जैसे टोकन 2049 है, क्रिप्टो एक्सपो है, सब में इनकी पार्टिसिपेशन होती है, स्पॉन्सर्स ये उसके अंदर करते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसमें प्रॉफिट मिलने के चांसेस हैं। बट अगेन कोई भी कॉइन हो, चाहे BTC की बात कर रहे हैं, इथेरियम की बात कर रहे हैं, BNB की, टॉप 20, 50, स्मॉल कैप, मिड कैप, ये सब की बात कर रहे हैं, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दी मार्केट। क्रिप्टो का मार्केट अगर अच्छा खासा है तो हर एक कॉइन के अंदर अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है, और जिन कॉइन के अंदर न्यूज़ है, इनसाइडर खबरें हैं, ठीक है, और मार्केट का रुख उनकी तरफ है, ठीक है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी खासी हो रही है, लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी खासी है, उनके अंदर और ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दिस वॉज ए क्विक अपडेट ऑन ऑल्ड कॉइन, साथ में हमने मैंगो मैन जो है इंटेलिजेंट उसके बारे में बात किया है। तो सारे कॉइन्स को आप देख लेना, समझ लेना, और आपको जिस हिसाब से सही लगे आप एंट्री ले सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इन सारे टोकन्स के अंदर, सबके अंदर अगर हम हमारा जो फंड है छोटा मोटा एक डिवाइड करते हैं, लगाते हैं, तो हमें एक अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर, ठीक है। तो दिस वॉज ए क्विक अपडेट ऑन BTC एंड ऑल्ट कॉइन्स, और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर ठोक देना, अपने जो भी सजेशन हैं कमेंट करके जरूर बताना। जल्द मिलेंगे, टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।